नमस्कार दोस्तों, जैसा कि टाइटल में आपने पढ़ा ही होगा, और क्रॉस टू पार्ट टू। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने कॉर्न क्रॉस टू अभी अभी खरीदा है, तो उनको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा मोड्स को समझने में। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कैटेगरी और क्या है और मोड्स क्या है इस कीबोर्ड में, और बाकी चीजें भी जानेंगे। तो चलिए आइए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कॉर्न क्रॉस टू के कुछ फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ पे कैटेगरी का एक नॉब दिख रहा होगा आपको। तो ये नॉब जो है, इस नॉब को आप यहाँ देख रहे होंगे, पियानो, इलेक्ट्रिक पियानो, ऑर्गन, ये सब कैटेगरीज है टोन्स के। और सबसे लास्ट में यूजर, यहाँ पर एक लाइट देख रहे होंगे जो फिलहाल अभी ये शो कर रहा है कि ये पियानो कैटेगरी में है। तो हमें कैटेगरी चेंज करने के लिए इसको हल्का सा चेंज करेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पियानो कैटेगरी में आ गया। इसी तरह से हम लोग यहाँ चेंज कर करके कैटेगरीज चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ आने के लिए हमें फिर से इसको इधर करके देख रहे हैं, कैटेगरीज चेंज हो रहे हैं। और जो हमारे यूजर टोन्स है, चाहे किसी भी मोड के, वो आपको यूजर में मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कैटेगरी। अब आते हैं मोड्स के बारे में। तो यहाँ पर फिलहाल आपको थ्री मोड्स मिलेंगे, जैसे कॉम्बी, कॉम्बी का फुल फॉर्म है कॉम्बिनेशन मोड, और प्रोब का फुल फॉर्म है प्रोग्राम मोड, और यहाँ मतलब सिक्वेंसर मोड। और एक और मोड है दोस्तों जो फेवरेट मोड बोलते हैं, वो आपको राइट साइड में मिलेगा। देखिए, ये फेवरेट मोड हो गया, ये चौथा मोड हो गया। यानी आपकी इस कॉर्ड क्रॉस टू में चार मोड्स हैं। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन मोड क्या होता है हम जान ले। तो कॉम्बिनेशन मोड, जैसे आप किसी भी दो या दो से ज्यादा टोन्स आप जब सेव करेंगे, बनाएंगे, चाहे स्प्लिट में चाहे लेयर में, कोई भी टोन आप जब मर्ज कर रहे हैं, तो आप वो सेव कहां करेंगे, कॉम्बिनेशन में ही। प्रोग्राम मोड है जो आप सिंगल टोन को आप जब सेव करते हैं, बनाते हैं टोन को, डिले डालते हैं या कुछ भी इफेक्ट डालते हैं, तो वो आप इस प्रोग्राम मोड में सेव होता है। जैसे अभी देखिए, प्रोग्राम मोड में हम यूजर में हैं, तो यूजर में मैंने एक स्ट्रिंग टोन रखा हुआ बनाया था। ठीक है, अब प्रोग्राम कॉम्बिनेशन मोड में आते हैं। तो कॉम्बिनेशन मोड में यूजर मोड में चले जाते हैं हम लोग। तो देखिए, यहां पर स्प्लिट करके कुछ टोन्स बनाए हुए हैं। ये जिकारी है एक साइड में, और थर्ड लेयर में इधर सितार का टोन। अलग अलग लेयर आप कितने भी टोन्स लगा सकते हैं अपने रीड में, 61 रीड में। तो जब इस तरह से आप सेव करेंगे कोई भी पैच, तो वो कॉम्बिनेशन मोड में ही सेव होगा। प्रोग्राम मोड में आप कभी भी देखें, हम वैल्यू से इधर चेंज कर रहे हैं, तो एक ही टोन आपको सेव होगा। तो कॉम्बिनेशन और प्रोग्राम मोड का यही मतलब है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग सिक्वेंसर मोड में। सिक्वेंसर मोड का मतलब है दोस्तों कि जब आप सिक्वेंसर मोड में आते हैं, तो एक पूरे गाने का आप इसमें ट्रैक बना सकते हैं। ट्रैक बना के आप अपने मेमोरी कार्ड में सेव कर सकते हैं, या इसकी इंटरनल मेमोरी में भी सेव करके कुछ गाने रख सकते हैं। ठीक है, तो सिक्वेंसर मोड बहुत ही लार्ज सेक्शन है, जिसमें आप रिदम्स, पियानो, कोई भी टोन्स, उसको आप उसके ट्रैक्स को बना के रख सकते हैं। आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, यहाँ पर आपका अलग अलग, जैसे न्यू सॉन्ग्स के ट्रैक अभी खाली है। ठीक है, कौन सा लूप करना है, कौन से ट्रैक को, तो आपको 16 ट्रैक का यहाँ सिक्वेंसर मिल जाता है। तो ये तीनों मोड्स आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ फेवरेट मोड में, चौथा मोड में।
फेवरेट मोड का मतलब है दोस्तों कि जैसे हम लोग कोई भी चाहे कॉम्बिनेशन चाहे प्रोग्राम कोई भी यूजर टोन वो हम लोग इस 16 पैड में सेव करके रख सकते हैं फेवरेट कोई भी या तो कॉम्बिनेशन फेवरेट या तो प्रोग्राम यूजर कुछ भी रख सकते हैं हम लोग 16 पैड्स में ठीक है। जैसे अभी हमने 10 में पियानो रखा हुआ है तो अब हम 12 में सैक्सोफोन रखा है तो इधर लेफ्ट साइड में पैड है और राइट साइड में सैक्सोफोन है यानी ये कौन से मोड का टोन है ये कॉम्बिनेशन मोड का टोन है। ठीक है तो इसी तरह से हम लोग कॉम्बिनेशन के यूजर टोन्स प्रोग्राम के यूजर टोन्स को कोई भी यूजर टोन को एक फेवरेट बना के फेवरेट मोड में हम लोग ऑन बोर्ड 16 पैड पर रख सकते हैं और इजीली हम लोग उसको प्ले कर सकते हैं यानी ऑन बोर्ड 16 टोन्स आपके या तो प्रोग्राम मोड के या तो कॉम्बिनेशन मोड के आप वहां रख सकते हैं जिसे हम लोग फेवरेट मोड बोलते हैं। तो देखा दोस्तों कॉम्प्लिकेशंस शुरू में लगता है और जब हम समझ जाते हैं तो कितना इजी टू ऑपरेट है ये कीबोर्ड तो बहुत ही अच्छा वर्कस्टेशन कीबोर्ड है। अभी मेरी नजर में इस रेंज में 50-60K के रेंज में बेस्ट कीबोर्ड है वर्कस्टेशन कीबोर्ड। तो इसी तरह हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में कॉल क्रॉस 2 के आएंगे पार्ट 3 में उसमें जानेंगे कुछ और फंक्शंस के बारे में। धन्यवाद।